इट्स ओके भाभी, अब बहन अपने भाई से जिद नहीं करेगी तो और किससे करेगी। और वैसे भी बहनों को अपने भाई की शादी के बाद नेक का ही तो इंतजार होता है। जब से इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ, इस घर में सब तौर तरीके मेरे हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक कि कभी कृष्ण ने भी मेरे कामों में दखल अंदाजी नहीं दी, लेकिन इस घर का बिजनेस कृष्ण संभालता है। अगर उसकी पत्नी होने के नाते तुम कुछ बदलना चाहो तो हम सबको मंजूर होगा। नहीं भाभी, राधिका का ये मतलब नहीं था। इस घर की जिम्मेदारी उन्हीं हाथों में दी जाएगी जो उसके काबिल हो। आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा, राधिका सिर्फ आपकी हेल्प करेगी। मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं अपाहिज हूं, लाचार नहीं हूं। मैं खुद के काम खुद कर सकता हूं। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हैं? वहां आपका भाई अपने कमरे में अपनी सुहाग रात मना रहा है और मेरे पास सुहाग तो है लेकिन सुहाग की कोई रात नहीं। कभी मैंने आपसे इस बात की शिकायत की, फिर आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? आप आराम कीजिए। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले मगर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। मेरी मर्जी के बिना बहुत आसानी से तुम इस घर में आ तो गई राधिका, लेकिन जब रास्ते पर कांटे बिखरे हो तो सफर इतना आसान नहीं होता। अभी तो सिर्फ तुम्हारे हाथों के निशान काले किए हैं राधिका। अब देखना कैसे मैं तुम्हारे हर दिन को काली रात में बदल दूंगी। हेलो, यस मिस्टर भाटिया, इतनी रात को कॉल करने की वजह? सर, इतनी रात में कॉल करने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक इमरजेंसी है, इनकम टैक्स से रिलेटेड मामला है, आपका अभी आना जरूरी है। व्हाट द, तुम कल तक का वेट नहीं कर सकते थे? दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। आई एम रियली सॉरी सर, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं आपको कभी फोन नहीं करता, बट आपको इसी वक्त आना होगा। ओके, आई बी देयर। आ गए तुम? तेरी जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं।